Myra Fashion, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 15 तारीख अंतिम तिथि है अगर उसके बाद उद्घाटन नहीं हो तो उद्घाटन कौन कराएगा। और ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि प्राचार्य से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये प्राचार्य सर से किसी प्रकार का हमने दुर्व्यवहार नहीं करते। विद्यार्थी परिषद शिक्षकों का सम्मान करना जानती है, उसके साथ साथ अगर उनकी जो अधिकार है उनके खिलाफ लड़ना भी जानती है। अगर इनसे पूछेंगे दुर्व्यवहार लिखते कैसे, तो उनको ये भी नहीं पता दुर्व्यवहार कैसे लिखते हैं। ये आके इनको पता नहीं किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं, इनको किसी बारे में मालूम नहीं। ज़बरदस्ती सिर्फ फ़ोन आ गया प्रिंसिपल सर का, आपको प्रदर्शन करना है। आप ये 5 जने आगे इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने लगे और जिस प्रकार से समर्थन में उतरे हुए, जबकि अभी प्राचार्य से हमारी मुलाकात कल हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, तो कौन सा दुर्व्यवहार, कौन सा क्या क्या ज़बरदस्ती प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और ये एक ही मानसिकता पे, प्राचार्य ये सारे एक ही लाइन पे और एक ही दूरी पे और एक ही मानसिकता से काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के जो प्रिंसिपल साहब एजेंट हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उनका काम करने का रवैया है, जिस प्रकार से वो छात्र विद्यार्थी परिषद को साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के साथ उनके जो मैं जीता हूँ तो मेरे को बराबर अधिकार नहीं दे रहे, उस हिसाब से यही लगता है कि वो कांग्रेस के मतलब दबाव में आके काम कर रहे हैं। अभी आपके सामने एनजीओ ने प्रदर्शन करा, मेरा जवाब मैं उनको यही जवाब देना चाहूँगा कि जो सच है सत्य पराजित वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जीत हमारी होगी, सच की जीत होगी, और जो सच है और अधिकारों के लिए हमें गुरुओं का सम्मान करना आता है और गुरुओं और हमारे अधिकारों के लिए लड़ना भी आता है। अगर हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो हम लड़ेंगे, पर गुरुओं का हम कभी न तो आज तक अपमान किया न कभी करेंगे। तो उनसे पूछना चाहूँगा कि जब 15 तारीख अंतिम तिथि है उद्घाटन की, तो अगर उद्घाटन नहीं कराएंगे तो छात्र संघ का उद्घाटन नहीं होगा तो कब कराएंगे? या NSU वालों को आप लिख के दे दो कि हम उद्घाटन करा देंगे, हम उठ जाएंगे। NSU वाले खुद अगर लिख के देते हैं कि हम उद्घाटन करवा देंगे 15 के बाद, क्या है उनका, वो खुद लिख के दे। आपको तारीख दे दी, फिर इसके बाद भी आप उद्घाटन? प्रिंसिपल सर ने आप, मैं बताना चाहूँगा, तो कोई तारीख नहीं दी है मुझे पास, कोई लिखित में कुछ भी नहीं आया तारीख का, किसी प्रकार का कोई तारीख नहीं आई है। विकास गोरा, छात्र संघ अध्यक्ष, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। ये जिस तरह ABP संगठन ये जो अनैतिक जो अपने वो लेके आई है, ये कॉलेज प्रशासन के सामने आज भूख हड़ताल पे बैठे है छात्र संघ उद्घाटन को लेके। जैसा कि ये छात्र संघ उद्घाटन को समस्या नहीं है, पहली बात तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं महाविद्यालय परिसर में, तो 11 तारीख पहले तो ये चीज़ संभव ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको बता दिया गया है, छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन एक प्रक्रिया है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव चारों पदाधिकारियों की सहमति होती है, मीटिंग होती है, उसके बाद ही तय किया जाता है कि डेट फिक्स होती है, उसके बाद तय किया जाता है। अब ये जो ABP संगठन के लोग हैं, ये प्रशासन से अभद्रता से बातचीत करते हैं और शैक्षणिक कार्य को बाधा करते हैं। आज यहाँ फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम चल रहा है जो बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, अब ये इस तरह की यहाँ पे गतिविधि करेगी तो महाविद्यालय का नाम भी खराब होगा और जो शैक्षणिक कार्य वो भी बाधित होगा। तो आज हमने इसका विरोध किया कि जब 10 तारीख मीटिंग के लिए फिक्स कर दिए, फिर इस तरह की भूख हड़ताल करने का क्या औचित्य रहा? जब प्रशासन मांग रहा है आपकी बातें, उद्घाटन पहले भी होते हुए आए हैं, जब ABP के पहले भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहे हुए तब भी उद्घाटन हुए, ये कोई समस्या नहीं है, एक उसको मुद्दा बनाया जा रहा है बस। गलत कर रही है, सही कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही है। जब इनको डेट दे दी गई कि आपको 10 तारीख में आपकी छात्र संघ की मीटिंग तय हो जाएगी, उसके बाद आपको छात्र संघ उद्घाटन करने के लिए तिथि दे दी जाएगी, फिर जो भूख हड़ताल कर रहे हैं इसका क्या औचित्य रहा? एक तो एक
पूर्ण तरीके से नौटंकी हो गई है तो प्रशासन को परेशान करने की। एजेंट है कांग्रेस के, ये सब ये एक भ्रांति है, ये बातें कर रही है। प्रिंसिपल कोई एजेंट नहीं होता, प्रिंसिपल एक प्राचार्य होता है, शैक्षणिक संस्थान चलाना होता है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। आप उस पर एलिगेशन लगा देते हो कि ये वो है, उससे कोई काम नहीं चलता। रियाज खान, आज एबीपी द्वारा यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष विकास गोरा द्वारा हड़ताल करी, भूख हड़ताल करी गई, इसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब द्वारा 10 तारीख निर्धारित कर दी गई छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन की मीटिंग तय करने के लिए, और अभी आरपीएससी का बहुत बड़ा एग्जाम चल रहा है, जिसके तहत भी इन्होंने कुछ ना सोचकर भी एक बड़ा प्रदर्शन करा गया। हम उसकी निंदा करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने ये तय कर दिया, तारीख तय कर दी गई है, फिर भी इनके द्वारा ऐसी हरकतें की जाने जिससे कॉलेज का नाम भी खराब हो रहा है, वह आरपीसी पेपर में बाधा भी आ रही है, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं, इसलिए हमने ये प्रदर्शन किया गया। जो आपके प्रिंसिपल को कांग्रेस के एजेंट में बताया जा रहा है कि ये कतई झूठ है सर। प्रिंसिपल से कोई कांग्रेस के नेता नहीं है या कांग्रेस के एजेंट नहीं है, वो आज विकास जी की कोई बात होती है वो भी पूरी करते हैं, और हम भी कोई बात करते हैं वो भी पूरी करते हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि ना प्रिंसिपल से कोई एजेंट है। हिमांशु गर्ग, छात्र संघ महासचिव, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय।